ये तो कॉल कट कर रही है, जरूर नाराज हो गई होगी। और होती भी क्यों नहीं, मम्मी ने कितना बुरा भला कहा उसे। क्या करूं क्या करूं, मैसेज करता हूं, शायद जवाब दे दे। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज प्लीज मुझे रिप्लाई करो। लेकिन मुझे अब कोई बात नहीं करनी तुमसे। ये तो मैसेज का भी जवाब नहीं दे रही है, क्या करूं क्या करूं। फरमान, वो तो उसे बर्बाद करने की ठान चुका है। छोटा सा काम है, इसके लिए 5 लाख रुपया मांग रहे हैं। सर मुझे पता है 5 लाख रुपए ही मांग रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको अंदाजा हो गया कि मोबाइल में जो वीडियो है उसकी अहमियत क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत खाक लोग हैं, उड़ती चिड़िया के पर तक गिन लेते हैं। सर क्या बात, तुम फोन अटेंड क्यों नहीं कर रहे, सुनो तो सही। नहीं सर, वो ऐसी दोस्त की कॉल आ रही थी, वो रात को पत्ते खेलते हैं ना, उसी का पूछ रहा होगा। बहरहाल आपने बताया नहीं मुझे, क्या जवाब दूं हैकर्स को मैं? मुझे आज का दिन दो, मैं तुम्हें कल बताता हूं। देख लें सर, ऐसा ना हो कि आप कुछ दिन सोचते रह जाएं और वो लोग अपनी डील ही बदल दें। नहीं, मेरा मतलब है इस तरह की जो डील होती है ना ब्लैकमेलिंग वाली, ये अक्सर बदल जाती है वक्त के साथ साथ। उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन मैंने अक्सर फिल्मों और ड्रामों में देखा जरूर है। लेकिन ये फिल्म और ड्रामा नहीं है। ठीक है सर, इंतजार करूंगा, बता दीजिएगा, चलता हूं। मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश तो तू कर रहा है, अगर कामयाब नहीं होगा हाँ भाई, क्यों कॉल किए तूने आप? तमीज से तो तुम्हें बात करना किसी ने सिखाई नहीं है ना फरमान। खैर तुमसे मिलना चाह रहा था मैं। मिलना है जरूर, तुझे कोई काम होगा तभी मिलना चाह रहा है। काम है इसीलिए बात कर रहा हूं, वरना तुम्हारी शक्ल देखना कौन चाहता है। खैर मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ। उल्टी सीधी डील के लिए ना मेरे को फोन मत किया कर, समझा? बड़ा आया डील में। ये खबीस शैतान का चेहरा किसी सूरत मानने वाला नहीं। इधर फिर साहब मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, आवाज तक नहीं सुनना चाहती। ऐसा क्या करूं जो उस घटिया इंसान को उसके इरादों से पास रख सकूं मैं? हाँ भाई निशान भाई, आज तो काम होने वाला था, क्या रिपोर्ट है? पहले ये बताओ पैसे लेकर आए हो? पैसे तो आपने बताए नहीं कितने, उसकी टेंशन नहीं है, 2 मिनट में ले आऊंगा जाके। 2 लाख? 2 लाख से कम में नहीं होगा। 2 लाख? भाई क्या हो गया यार, गरीब का फोन है यार, 2 लाख बहुत ज्यादा होते हैं भाई। फोन तो 50,000 का भी नहीं है जितना तुम बिना मांगे देने वाले थे। 2 लाख लगेंगे, उससे कम में नहीं होगा। अबे यार गुस्सा क्यों हो रहा है भाई, 2 लाख रुपए कुछ ज्यादा नहीं है यार, कहाँ से लाऊंगा मैं? अगर 2 लाख बहुत ज्यादा है ना तो हमारे पास भी टाइम बहुत कम है, समझा? 2 लाख से कम में नहीं होगा। और हाँ, अगर इस दौरान वो जो छुप छुप के वीडियोस बनाई हैं वो डिलीट हो गई ना तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है समझ गया, बहुत पुराना ट्रेन है भाई। ये बता दो कि फिर वीडियो कब मिलेगी? जब वीडियो मिलेगी तो पैसे लेकर भी आ जाओ। जैसे ही काम होता है तो मैं कॉल या मैसेज करता हूँ। अरे भाई काम होगा कब,
हो जाएगा। हमें पता है तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी है, और तुमसे ज्यादा जल्दी ना हमें। जैसे ही काम होता है कॉल करता हूँ, आ जाना। क्या है भाई, क्या ठीक करवाना है? तुम दोनों को ठीक करवाना है। हाँ, लेकिन अभी ये जो लड़का गया है यहां से, अगर उसका फोन दे दो मुझे, या जो उसके फोन में वीडियो है वो दे दो ना, तो शायद हमारी डील बन जाए। कौन सा मोबाइल, कौन सी वीडियो? यार क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो और क्यों मेरा वक्त जाया कर रहे हो? बजाय इन सारी बातों के क्यों ना दोस्ताना डील बना लेते हैं। वो लड़का तो मैं 2 लाख रुपए दे रहा है ना, एक काम करो, मैं तुम्हें 3 लाख रुपए देता हूँ। तुम्हें कैसे दे सकते हैं, ना जान ना पहचान, वो कौन तुम? अरे यार तुम्हें कौन सा मुझसे रिश्तेदारी निभानी है, जो बात है यही है ना। और तुम उस लड़के को कितना जानते थे? यही जानते थे ना कि उसका नाम क्या है? तो मैं भी तुम्हें अपना नाम बता दूं। मेरा नाम है सुहेल। अब जब नाम बता दिया है तो अब 3 लाख रुपए में डील पक्की ना? वो वीडियो मेरी है। मैंने सोचा था कि तुम्हारी शादी वकार से हो जाएगी तो उस कमबख्त फरमान से तुम्हारी जान छूट जाएगी, लेकिन हमारी तो किस्मत ही हमारी दुश्मन निकली। अम्मी आप आराम से बैठे और ये बताएं, अब्बू कैसे हैं? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? आपसे तो ठीक से बात कर रहे हैं ना? तुम्हारे अब्बू अगर हमारे होते ना तो हम इस तरह बेसहारा ना होते। लेकिन तुम्हारे अब्बू तो अपने भाई की छतरी के छांव से निकलना ही नहीं चाहते। तो फिर एक काम करें, आप खुद चली जाएं सकीना मामानी के पास और उन्हें इस बात का यकीन दिलाएं कि मेरा आदिल भाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो बस एक काम था और अब उस काम की भी जरूरत नहीं है। बेटा तुम मुझे क्यों सफाइयां दे रही हो? माँ हूं मैं तुम्हारी, क्या मैं नहीं जानती? और सच पूछो तो तुम्हारे अब्बू को भी अच्छे से पता है कि तुमने किन हालात में वो घर छोड़ा। उनका तो बस नहीं चलता, वो तो आज भी तुम्हें उस खबीस से बांधने के लिए जरा सा भी हिचकिचाएगा। इसका मतलब है कि अब वो आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा। कोई जरूरी बात होती तो कर लेते, वरना पता नहीं अपनी ही दुनिया में गुम रहते हैं। बातों बातों में तुम्हें भूल ही गई, मैं आपके लिए पानी और कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि सकीना भाभी इस तरह अचानक से क्यों नाराज हो गई। कुछ बात पता चले तो मैं उनसे बात करूं ना। आपको क्या लगता है, आप बात करेंगे तो क्या वो मान जाएंगी? कोशिश तो कर सकती हूँ ना बेटा, जैसे तुम्हारे अब्बू के सामने कोशिश करती, हालांकि जानती हूं कि उन पे कोई असर नहीं होगा, फिर भी कोशिश करती हूँ। I'm sorry, बेटा, तुम्हारी माँ कोशिश करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। आपको बताना भी चाहूं तो नहीं बता सकूंगी, हमारी कोशिशें कभी रंग नहीं लाएंगी। वकार से शादी कर रहे हैं और मुझे अपना ही घर छोड़ना पड़ेगा।